जगदवंद स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। जगदवंद स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। आचार्य तुलसी परिचय है एक परिव्राजक जैन संत का, अनुव्रत अनुशास्ता का। तुलसी शताब्दी वर्ष का आयोजन एक अवसर है उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की रश्मियों से आलोकित होने का। नैतिकता हृदय की पवित्रता है, धर्म की प्रायोगिकता है। हृदय में बहने वाला करुणा का स्रोत जब सूख जाता है, आदमी अनैतिक बन जाता है। मनुष्य वो है जो शांत है, संवेदनशील है। आचार्य श्री तुलसी का कहना है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। स्वसुधार से सर्व सुधार का प्रेरक है नीति पथ। आप्त पुरुषों की वाणी में जो सार है, उस सार को समझाना उपदेशकों का काम है, धर्म गुरुओं का काम है, और उसके साथ में स्वयं के अनुभव जोड़ दिए गए। पाठ पाठ तो पाठक का काम है, उपदेश में नई बात यह होगी उसके साथ में अपनी अनुभूति जुड़ जाएगी, पूरा प्रवचन हो जाएगा, व्याख्यान हो जाएगा। जैसे हमारा एक अधिमत है कि धर्म के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है, पवित्रता होती है, और ये सर्वसम्मत तत्व है। ये थोड़ी सी व्याख्या मैं इसकी करना चाहता हूं, एक आज की व्याख्या, वर्तमान युग की वैज्ञानिक की व्याख्या, एक प्राचीन युग की व्याख्या, धर्म की रूढ़िवादी युग की व्याख्या। उसमें चार प्रश्न है, धर्म क्या, धर्म कहां, धर्म कब और धर्म कैसे। ठीक है, प्राचीन लोग, पुराने जमाने के लोग इन चारों प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। धर्म क्या, पूजा पाठ कर्मकांड, वर्तमान जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों को लेकर चलना, केवल नाम जप लिया, नाम रट लिया, तोता की तरह वो समझता है कि मैंने पूरा धर्म कर लिया। ये प्राचीन काल की व्याख्या, पहला प्रश्न। धर्म कहां, धर्म स्थान में, मठ में, मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारा में, उपाश्रय में, ठिकाने में। क्योंकि धर्म स्थान, धर्म स्थान को छोड़ के तो कोई धर्म थोड़े ही होते हैं, और धर्म स्थान है ही नहीं। धर्म स्थान जहां धर्म किया जा सके, बंद गया बिल्कुल। ये प्राचीन काल की पद्धति थी। साहब आप घर में बैठे हो, क्या करते हो? बोले घर में तो काम धंधा करते हैं, धर्म तो जाएंगे मतलब बस तब करेंगे। ये दूसरी बात,
धारण कब कब करना चाहिए, और सब कामों से फारिग हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, अपने व्यापार के लिए हम काबिल हैं, न घर के धंधे के लिए कोई अपेक्षित है, हम लोग निकम्मे निचल्ले हो गए, अब धर्म करो, आत्ममाला ले लो, ओम 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 राम 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 करते रहो, ये धर्म का कार्य, और कहीं क्या, निकम्मे आदमी को काम धर्म करना, तीसरा प्रश्न होता है। चौथा प्रश्न, धर्म कैसे, जैसे तैसे धन के द्वारा, दंडे के भय से, प्रलोभन से, और तो धर्म नहीं, अमुक व्यक्ति ने धर्म किया उसको बड़ा धन मिल गया, अमुक व्यक्ति ने धर्म किया उसको संतान मिल गई, बेटे पोते मिल गए उसको, इसलिए धर्म करो। धर्म के तौर तरीके पुराने चलते थे, उन तौर तरीकों से धर्म होता था, ये प्राचीन धर्म की पद्धति के चार प्रश्नों का उत्तर, धर्म क्या, धर्म कहां, धर्म कब और धर्म कैसे, और सब बातें लगभग सभी धर्मों में चलती थी। ज्ञान ने सबका उपकार किया, धर्मियों का भी उपकार किया, धर्म के लोगों को भी सोचने का अवकाश मिला। आज के लड़के, आज के विद्यार्थी विज्ञान पढ़ने लग गए हैं, उनको केवल पुरानी रटी रटी बात सुनाएंगे वो स्वीकार नहीं करेंगे, सोचना पड़ेगा। उससे प्रेरणा मिली और इन चारों प्रश्नों का नया उत्तर मिला, धर्म क्या, धर्म क्या, आत्मशुद्धि साधन, जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि हो वो धर्म, आत्मा की पवित्रता धर्म, शांति की साधना धर्म, जीवन का ऊर्ध्वगमन, आत्मा का ऊर्ध्वगमन धर्म, एकदम नहीं रखी आ गई। आप क्रियाकांड करते रह जाओ, अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कोई धर्म नहीं। जीवन भर राम राम रटा, केवल स्वर चले, अंगुलियां चली, मन के घसे, लाभ कुछ नहीं मिला। इसलिए धर्म क्या, जीवन की शुद्धि, जीवन की पवित्रता, ज्ञान की वृद्धि, दर्शन की वृद्धि, चरित्र की वृद्धि, ये सब धर्म है। धर्म कहां, ये कोई प्रश्न है, धर्म कहां, जहां धार्मिक रहे वहीं, पल प्रतिपल नहीं, कहां, जहां धार्मिक रहे वहीं धर्म। क्या धार्मिक को छोड़ के धर्म कहीं रह सकता है? उष्णता अग्नि को छोड़ के रह सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, जहां अग्नि वही उष्णता रहेगी, जहां धार्मिक वही धर्म रहना चाहिए। विचित्र वाले धार्मिक तो कहीं बैठा है और धर्म कहीं पड़ा है, हो नहीं सकता। ये चद्दर मेरी है, मैं उतार के कहीं खूंटे पर रख सकता हूं इसको, पर क्या चमड़ी को रख सकता हूं क्या? चमड़ी मेरे शरीर के साथ रहेगी। ठीक, धर्म धार्मिक के साथ रहेगा, धार्मिक व्यक्ति बाजार में बैठा है वहां उसका धर्म रहेगा, श्मशान में भी उसका धर्म साथ रहेगा, दुकान में, ऑफिस में, कार्यालय में, मठ में, मंदिर में, जहां कहीं भी उसका धर्म उसके साथ रहेगा। वो हिंसा करेगा कभी कभी, व्यापार करेगा, उसमें भी
चिंतन उसका धर्म का रहेगा। भाई मैं हिंसा कर रहा हूं, करना पड़ता है, आखिर हिंसा हिंसा है। स्पंदन होगा, प्रकंपन होगा उसके मन में, कभी कदाच उसको असत्य बोलना पड़े, मन कंपन हो जाएगा, हो असत्य बोलना पड़ता है, कितना बड़ा पाप, ऐसा करना पड़ता है। इसलिए धर्म कहां का सीधा उत्तर है, जहां धार्मिक वहीं उसका धर्म, न धर्मो धार्मिक बिना, न धर्मो धार्मिक बिना, धार्मिक के बिना धर्म नहीं रहता, और धर्म के बिना धार्मिक कहला तो नहीं आदमी। कितना अन्योन्याश्रित संबंध इनका है। तीसरा, धर्म कब कब, जब से समझ पकड़े तब, जब से मनुष्य की समझ में आ जाए कि धर्म जीवन के लिए अपेक्षित है, तभी धर्म। बालकपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, विद्यार्थी, व्यवसायी, श्रमिक, कर्मचारी, किसी भी अवस्था में, किसी भी वय में मनुष्य को धार्मिक बनना चाहिए। जब आपकी समझ में आ गई तभी आप धार्मिक बन जाओ, बिल्कुल टाइम मत बिताओ। हाँ, यथाशक्ति भक्ति, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, लग जाओ उसी काम में। चौथे प्रश्न का उत्तर, धर्म कैसे कैसे, इसका सीधा उत्तर है अभ्यास से, प्रयोग से, सत्संग से, ज्ञान से, दर्शन से, चरित्र से, तपस्या से धार्मिक बनो। ये धर्म का तरीका है। धन से धर्म मत करो, भय से धर्म नहीं, प्रलोभन से धर्म नहीं, धर्म केवल शुद्ध दृष्टि से, शुद्ध व्यवहार से और शुद्ध प्रयोग से धर्म करो। दौर्भाग्य धार्मिकों का कि धार्मिकों से प्रयोग छूट गया, केवल सूत्र रह गया। क्रोध नहीं करना चाहिए, उपदेश तो है, कैसे नहीं करना चाहिए, क्रोध मिटने का उपाय क्या है, यह हम क्या करें, हमको पता नहीं। क्रोध नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्रोध करने वाला दुखी होता है, अपने जीवन को कम कर देता है, बिल्कुल ठीक है, मिटाए कैसे ये हमको पता नहीं, गलत बात है ये। धर्म गुरु के पास में इसका उपाय होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। रास्ता नहीं होगा तो केवल उपदेश की बात कोई सुनना नहीं चाहेगा। धर्म एक ऐसी सीधी साधी प्रक्रिया है जिसको इतना क्यों उलझा लिया मुझे गया, मुझे पता नहीं है। उलझन क्यों पैदा कर दी गई? धर्म को लेकर हजारों ग्रंथ लिखे गए, धर्म को लेकर खंडन मंडन चले, धर्म को लेकर कलह हुए, खून खत्तर हुए, लड़ाइयाँ लड़ी गई, हार जीत हुई, मारकाट हुई, ये सब धर्म को लेकर होते हैं। एक संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है ये, सबसे बड़ा आश्चर्य है। धर्म की स्थापना क्यों की गई? कि मनुष्य अधूरा है, उसे पूर्ण होना है। पूर्ण होने के लिए उसे एक प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उससे अपूर्ण से पूर्णता की ओर गति करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसका नाम धर्म है। इसमें क्या उलझन है? कोई भी आदमी अपने पूर्णता के लिए प्रयास करे, घर में करे, जंगल में करे, मंदिर में करे, मठ में करे, मस्जिद में करे, और कहीं करे, चर्च में करे, कहीं जाके करे। मुख्य आराधना होनी चाहिए आत्मा की,
तो ज्ञान की आराधना क्यों करते हैं? पुस्तकों को छोड़ दो, छोड़ दो। इसलिए कहते ज्ञान आत्मा का ही एक अंश है। ज्ञान आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। दर्शन भी आत्मा ही है, चरित्र भी आत्मा का अंग है। और जैन धर्म में तो आत्मा का 8 प्रकार है, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चरित्र आत्मा। आत्मा की आराधना करना है, आत्मा की आराधना करना धर्म है। और यह प्रयत्न जीवन भर चले, एक जन्म नहीं अनेक जन्म तक, जब तक पूर्णता न हो तब तक प्रयत्न चले। इसको सबसे बड़ा अधिक महत्व दिया है और देना चाहिए। अब इसमें क्या परिवर्तन, क्या परिवर्तन है? इतना ही एक दिन से पूरा पुरुषार्थ हो तो पूरा प्रयत्न करो, पूरा ना हो तो यथासंभव करो, कोई बात नहीं। अब नियम को, व्यवस्था को धर्म क्यों मान लिया गया? ये तो व्यवस्था की चीजें हैं, उन सबको धर्म मान लिया गया, इसलिए झमेला खड़ा हो गया। और इसके साथ साथ में धर्म की आराधना करने के लिए कुछ समूह बने, व्यवस्थाएं बनी, संगठन बने, उनको भी धर्म मान लिया गया। और फिर उनके लिए साधना के लिए कुछ धर्म स्थान बने, मठ मंदिर बने, उनको धर्म मान लिया गया। फिर पुस्तक बने, ग्रंथ बने, उनको भी धर्म मान लिया गया। हमने उनकी पूजा शुरू होगी। अब झमेला इसलिए हुआ, कोई कहते मंदिर ठीक है, कोई कहते मस्जिद ठीक है, कोई थल ठीक है, झमेला खड़ा हो गया। कोई कहते अमुक ग्रंथ ठीक है, कोई अमुक ग्रंथ ठीक है, झमेला खड़ा हो गया। इसलिए झगड़े हुए हैं और होते रहे। और मेरा विश्वास है जब तक ये रहेंगे तब तक झगड़े खड़े रहेंगे। क्यों? कि झगड़े की तरह रागत वेश, अहम, अपना अहम, औरों की हीनता, ये जब तक रहेंगे तब तक झगड़े कायम रहेंगे, चलते ही रहेंगे। सही बात है, राग रोष अहंकार छलना है तब तक झगड़े रहेंगे, इनको मिटा कैसे जा सकते हैं? कोई नई बात नहीं है। धर्म शाश्वत है तो रागत वेश भी शाश्वत है, तो झगड़े भी शाश्वत है। युद्ध न हो, आज एक आबाद युद्ध न हो, बहुत बड़ी आबाद युद्ध न हो, तो युद्ध न हो यह संभव है क्या? जब तक अपना पराया, मेरा तेरा, मैं तू, और अपने आप को अधिक बनाने का प्रयत्न किया जाएगा भौतिक दृष्टियों से, झगड़े होते रहेंगे, युद्ध होते रहेंगे। इतना ही है, इनकी माता को कम किया जा सकता है, इनके विभीषिका को कम किया जा सकता है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, सुधार उधार किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से मैं मानता हूं धर्म का जो मूल आधार हम उसको पकड़े, तो मेरा विश्वास आज भी धर्म को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा कुछ होने की बात नहीं है। पर हम लोगों को बड़ा संकोच, मन में दर्द होता है, दुख होता है, क्योंकि हमने धर्म को अपना माना है एक तत्व, और उस नाम को लेके जगत में ये होते हैं, इसलिए दुख होता है। हमारे यहाँ धर्म और धार्मिक को इतना महत्व दिया गया है, इतना ज्यादा महत्व दिया गया है, उसके सामने संसार का कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता। मैंने कहा कि नमस्कार किसको करना चाहिए? क्या कि सम्राट को नमस्कार करना चाहिए? क्या किसी अब्जपति को, धनपति को, धन कुबेर को नमस्कार करना चाहिए? क्या किसी बड़ी योद्धा को, जो अकेला व्यक्ति लाखों को जीत सकता है, उसको नमस्कार करना चाहिए? जिसके पास में अधिक से अधिक वैभव है उसको? बिल्कुल नहीं। नमस्कार किसको करना चाहिए? जो आत्मा का साधक है, आत्मा परमात्मा की साधना करने में अपना जीवन लगा लिया, उसको नमस्कार करना चाहिए। या जिसने अपनी आत्मा को साध लिया उसको नमस्कार करना चाहिए। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवध्यायानम, नमो लोय सब्बसावणम, इन पांचों की शायद किसी को नमस्कार की जरूरत नहीं। इन पांचों में साधक या सिद्ध के रूप में जो आ गए हैं उनका नमस्कार है, कोई को नमस्कार नहीं।
तो क्या नमस्कार करना नहीं चाहिए? शिष्टाचार व्यवहार की बात छोड़ दो, वो अलग चीज है। शिष्टाचार व्यवहार में तो किया जा सकता है, वास्तव में जो नमस्कार होता है प्रणाम होता है साधक और सिद्ध को, वो धार्मिक को होगा, सिद्ध और किसी को नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने पिता को नमस्कार करते हैं, माता को नमस्कार करते हैं, वो भी क्या है? व्यवहार है, शिष्टाचार है। कितना बड़ा महत्व दिया गया धर्म को। और एक व्यक्ति अकल तक सब कुछ करता था, वो चोरी भी करता था, सिगरेट भी पीता था, शराब भी पीता, बस कुछ करता था, और आज इसके मन में इतना परिवर्तन आ गया, उसने सब छोड़ दिया, सबको छोड़ के बिल्कुल संन्यास स्वीकार कर लिया उसने। उसके पैरों में बड़े से बड़ा सम्राट जुड़ सकता है, झुक सकता है। हमारी छोटी सी कहानी आती है, सम्राट सैनी का पुत्र अभय कुमार, अभय कुमार बैठा है मंत्री परिषद के बीच में बैठा है, और उस समय में एक व्यक्ति साधु के रूप में आ रहा है सामने। वो प्रसिद्ध था, कल तक एक घास का भाड़ा लाता था, गरीब आदमी था, लकड़ हरा था, सब जानते थे उसको, और एकदम साधु बन गया। साधु बन के बिल्कुल साधु वेश में, इसी वेश में एकदम शांति से, तरे मंद मनोविज्ञो, तरे मंद मनोविज्ञो, धीमे धीमे एक एक कदम देख देख के चलता है, शांति से चलता है, कोई उतार उतार नहीं, कोई नहीं चलता। सीधा अभय कुमार की मंत्री परिषद के पास में से गुजरा। अभय कुमार देखा, खड़ा हो गया, महामंत्री महामाते खड़ा हुआ, खड़ा होकर जूते खोले, चिन्ह उतार दिए हर जी के, अपने मंत्री के उतार के इधर आ गया, और उसको पैर छू के नमस्कार किया, पैर छू के नमस्कार किया। मंत्री लोग अभाग रह गए, इतना बड़ा महामात्य और नमस्कार करता है घसकट्टे को, लकड़ हरे को, तो कल तक लकड़ रहता था, सिर की सब भाग घिस गए हैं, इसको नमस्कार करता है। अब महामात्य ने नमस्कार किया तो सबको करना पड़ा नमस्कार, तो बिना मन अनमनेशन कुछ हास्य भी हुआ, विनोद भी हुआ, क्या बात है, किसकी बात है ये, क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं आग्रही अपने अपने मत के। माँ मतन देख लिया सबको, कहा इनकी इनका मत क्या है, मनोबल क्या है, आ गए, बात कुछ नहीं की, और आके उसने एक हुक्मनामा निकाल दिया, आज जितने मंत्री है उन सबको सीधी बात, रात को यहां से जाने के बाद में खाना पीना नहीं है, रात को न खाना है न बने पीना है, पूरा ब्रह्मचर्य रहना है सबको, और कुछ दो तीन बातें ऐसी कर दी जो प्रत्येक मंत्री के लिए बड़ी भारी कठिन थी। सब मंत्री ने कहा ये क्या गजब हो गया, ये माँ बतू क्या हो गया, ये सब चीजें खाना नहीं खाने वाला, भूखे कैसे रहेंगे, स्त्रियों से मिलने फिर क्या करेंगे, सारी सारी गलत क्या करें, तो माँ बात ये क्या आदेश है, किस लिए है। माँ बन लगी इतनी क्या बात है, एक रात एक रात की बात है, बोली रात को मर जाएंगे सब, करेंगे क्या। तो महामंत्री ने कहा अगर कोई व्यक्ति अकेला इन सब चीजों का जीवन भर स्वीकार करे, तो जीवन भर रात्रि भोजन नहीं करे, किसी हिंसा नहीं करे, असत्य नहीं बोले, मतलब सब राजी, तो क्या करो, बोले उसको तो पैरों में सिर झुका देना चाहिए। तो महामंत्र ने कहा तब मैंने क्या बुरा किया, कल तक वो कैसा ही था, आज उसने सबके सब स्वीकार कर लिए, महाभारत स्वीकार कर लिए, आपको पता वो साधु बन गए। सबने सोचा बात सही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने इन सब आत्मा की आराधना शुरू कर दिए, वो नमस्य है, बंधनी नमस्कार करनी है, फिर वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो,
छोटी अवस्था में हो बड़ी अवस्था में हो, बहुत विद्वान हो कम विद्वान हो, वक्ता हो प्रवक्ता हो नहीं मौनी हो, उनको नमस्कार करना चाहिए। जब से ये अनुप्रत की बात चली है, धर्म की व्यापकता हमारे सामने आई है, तब से धार्मिक कहने में हमको कोई संकोच नहीं होता है। कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं, कितने कम्युनिस्ट के धर्म नाम से हमारे मन में एक बड़ा एक प्रकंपन सा होता है। तो जैसे धर्म की व्याख्या जहाँ से सुनी है, इस धार्मिकता में हमको कोई अड़चन नहीं है, एक राज नहीं है। तो इसका हमको बहुत प्रसन्नता हमको है, इस युग में धर्म की व्यापकता सार्वभौमिकता करने में यत किंचित हम लोग इसमें हेतुभूत बने हैं, और इसलिए हमने अनेक पद्य से रचे, अनेक गीत, अनेक बातें बताई, और हमने धार्मिकों के बारे में क्या क्या कहा, हमने कहा धर्म धर्म शास्त्रों में धार्मिकता बिखरी पड़ी, धर्म शास्त्रों में धर्म स्थानों में धार्मिकता जकड़ी पड़ी, धर्म स्थानों उसको जीवन व्यवहार में साकार कर लो, उसको जीवन सच्ची धार्मिकता मानव स्वीकार, मूर्छित मानवता का पुनरुद्धार। इन पद्यों इन विचारों जनता में असर हुआ और जनता ने इसको सुना, और धर्म के प्रति निकटता उनकी हुई, सब कुछ हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, भगवान के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों मठों के नाम पर, धर्म स्थानों के नाम पर नन्हे करने का काम संसार ने किया और आज भी किया जा रहा है? वैसी हालत में आखिर भुगतना किसको पड़ा? धर्म को पड़ा, खराबियाँ किसने की और भुगतना किसको पड़ा, पाप किसने किया और भुगतना किसको पड़ा? गोहिरे का पाप पीपली को सर करना पड़े, कहे गोहिरा अंदर हो तो उसका क्या बिगड़े, पीपली बेचारी जल जाती है। वही स्थिति हुई है, इन सब बातों का पाप धर्म को सहन करना पड़ा है, बदनामी सहन धर्म ने किए, ये सब काम हुआ है। वैसी हालत में हमने खुल के इन बातों का वेतन प्रचार किया। एक बात को न भूल जाएं, हम लोग संप्रदाय को कोसने लग रहे हैं, अगर संप्रदाय कोई काम का नहीं है, संप्रदाय किसी काम का नहीं है, संप्रदाय प्रतिबंध है, संप्रदाय एक तरह की हिंसा है, संप्रदाय ऐसा है, संप्रदाय वैसा है, ये भयंकर भूल हो जाएगी। संप्रदाय बहुत काम की चीज है, धर्म संघ बहुत काम की चीज है, धर्म की परंपरा बहुत काम की चीज है, इसको लोग कर दिया तो सब लुप्त हो जाएगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप तो धर्म की सार्वभौमिकता की बात करते हो, अब तेरा पंद्रह क्यों मन रहे हो, खुले मैदान में आ जाओ, बाहर आ जाओ, खुले आके काम करो। मैं कहता हूँ इतना बोला मैं नहीं हूं कि पैरों की नदी की जमीन को छोड़ के खड्डे में जाकर रुकूं, कैसा हो सकता है? अरे आदमी कहीं खड़ा तो रहेगा, कहीं अपना क्षेत्र तो फसलेगा, कुछ स्थान तो चाहिएगा। ये संप्रदाय हमारा स्थान है, धर्म संघ हमारा स्थान है, इसमें रह के इस पर खड़े रह के हम धर्म का काम कर सकते हैं। आंख कितनी छोटी है, मैं कहता हूँ आंख कितनी छोटी है, देखता कितनी बड़ी है, एक आंख सबको देख रही है, सब करेंगे तो यहाँ क्यों बैठी, तो कहाँ जाएगी, निकल गई तो फिर देखना बंद हो जाएगा। बोलिए नाक ने अपना स्थान छोड़ दिया और लीलाड़ में आ गया तो सिंह हो जाएगा, नाक नहीं रहेगा फिर। मैं इस बात को बल देके कहना चाहता हूँ, हम धर्म को व्यापक माने, सार्वभौमिक माने, सार्वदेशिक माने, विशाल माने, मान माने, पर धर्म संघ को भी कभी भी कमजोर न माने। स्थान धर्म को स्थान पहला, बिल्कुल ठीक है, धर्म को स्थान पहला है, संप्रदाय का स्थान दूसरा, धर्म संघ का स्थान दूसरा है। हम तांगाल घोड़ा, तांगे का स्थान
घोड़े को घोड़े का खान पांगे को नहीं देंगे, पर बैठना पांगे में पड़ेगा, घोड़े पर बैठा नहीं जा सकता। कहाँ बैठोगे तीन आदमी? टांगा घोड़ा चलाएगा पर आदमी कहाँ बैठेगा? अंदर बैठेगा। धर्म जो है बहुत, धर्म संघ बहुत काम की चीज है। अगर संप्रदाय के लोग अपनी सीमा में रहते, अपनी सीमा में रह के कुछ काम करते, कोई संप्रदाय बदनाम नहीं होता। संप्रदाय बहुत काम की चीज है। हमारा सौभाग्य है प्रयोग हमारे हाथ में आ गए। आदम केवल उपदेशक नहीं है, वो कथा भक्त नहीं है, केवल कथा भांसे, प्रयोग हमारे हाथ में आ गए। आप अगर ये चाहें कि क्रोध कैसे मिटे, भय कैसे मिटे, निराशा कैसे मिटे, वासना कैसे मिटे, नशा कैसे मिटे, शांति कैसे हो, तनाव कैसे मिटे, कुंठा कैसे मिटे, अगर आप चाहते हो हम इन सब चीजों का प्रयोग बताते हैं, चिकित्सा बताते हैं, रास्ता बताते हैं। इतना जरूर होगा, करना आपको पड़ेगा।